वन एवं खाद्य मंत्री सुखराम विश्नोई आज एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में निर्णय के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जिले में तमाम विलायती बबूल को हटाकर फलदार पौधे लगाए जाएंगे, जिससे लोगों को उनसे प्रेम हो और वह लगे रहें। यह काम चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। इसके साथ ही जिले में बढ़ते पैंथर की रोकथाम के लिए अन्य संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन हथियारों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। हथियार के चलते उसका दुरुपयोग होने की आशंका रहती है। वन विभाग जल्द ही फॉरेस्ट एरिया में जानवरों के पानी की व्यवस्था करेगा। इसके लिए कुंड बनाए जाएंगे, जिससे कि जंगली जानवर जंगल छोड़कर बाहर न जाएं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वन विभाग को और बेहतर करने के लिए सरकार कार्य कर रही है। 17 भीड़ है और बाकी हमारी फॉरेस्ट पहाड़ी लैंड है, उस सब जगह जो झूली पूरा खड़ा है उसको हम हटाएंगे, 3 साल मॉनिटरिंग करेंगे और वहाँ फलदार पौधे पेड़ लगाएंगे। कितने एरिया के अंदर लगाने का प्लानिंग है? ये मतलब चरणबद्ध तरीके से लगाएंगे, जिस तरह से नर्सरी पौधे तमाम फलदार पौधे तैयार करेंगे। एरिया कितना है? एरिया जो उसका बीड़ का एरिया है कोई 50 हेक्टर है, कोई 20 हेक्टर है। पहले से उसको जूली फ्रूट हटाएंगे और फिर नर्सरी में जो फलदार पौधे तैयार किए हैं उसमें नींव है, कंकड़ी है, केर है, घुमटिया है, गूंदा है, गूंदी है, मीठी इमली है, खट्टी इमली है, ये जामुन है, खेजड़ी है, ताकि लोगों का उस पेड़ के प्रति लगाव हो और लोग उससे रुचि लगे, उसके फल खाएंगे तो उसको काट नहीं देंगे, ये हमें कार्य करना है। सर, रावली रेंजेस में जो फॉरेस्ट लैंड है वहाँ पे इलीगल माइनिंग का कुछ है, एनी मॉनिटरिंग इज गोइंग टू स्टार्ट? अभी तक तो मेरे सामने कोई इलीगल माइनिंग की, फॉरेस्ट में माइनिंग की आई नहीं, शिकायत आई नहीं। आप शिकायत आएंगे तो उस पर कार्रवाई करेंगे। अभी एक जो वनों की सुरक्षा है वो जो फॉरेस्ट कर्मी है उनपे ब्लड के अलावा और कुछ भी नहीं है। संसाधनों की कमी है, लगातार पैंथर अब सामने आ रहे हैं। अपन हाईटेक करेंगे जो देखो कि वन्य जीव प्राणियों को बचाने के लिए हमारे पास कोई हथियार नहीं चाहिए। प्रेम पूर्वक देखो, मैं सवेरे गया था जो तो बिल्कुल शेर पास हो जाता है, तो हथियार देंगे तो हथियार का दुरुपयोग हो सकता है। परंपरा रही है कि मतलब वन्य जीव प्राणी को बचाने के लिए उसके पास भी लाठी हो या दूसरा कोई प्रेम पूर्वक तरीके से उसको काम मिले। बंदूक का रिवाज हमारे नहीं है, नहीं हम देने की कोई कार्य योजना है। सर, डिविजनल हेडक्वार्टर है, कम से कम ट्रैंक्विलाइज्ड गन तो होनी चाहिए। हाँ, उसकी व्यवस्था करें, उसकी व्यवस्था करेंगे। केवल लाठी के अलावा और कोई संस्था? नहीं नहीं, ये जो व्यवस्था आप कह रहे हैं, मान लो पैंथर बाहर निकल के आ गया, उसको ट्रैंक्विलाइज करना है तो वो व्यवस्था बाकायदा करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे संसाधन, पिंजरे होते हैं, रस्सियाँ होती हैं, कुछ भी नहीं मिलता उनके पास, केवल लकड़ी लेके आप भेज देते हो शेर के साथ। अभी बात चली थी कि प्रतापगढ़ जिला पास में वहाँ से पैंथरिया आ जाते हैं, तो बाकायदा जो जो समस्या आएगी तो समाधान करने का पिंजरा भी लाएंगे, रस्सी भी लाएंगे और ट्रैंक्विलाइज गन भी लाएंगे, पूरी व्यवस्था करेंगे। समस्याओं के बाद इंक्रोचमेंट जो है फॉरेस्ट लैंड के ऊपर, इसका कोई आप सर्वे वगैरह कराएंगे? हमने पूछा अधिकारियों से, बाकायदा हमने के सीमांकन कर रखा है, अभी तक तो कोई शिकायत आई नहीं है। शिकायत आएगी तो उस पर समाधान करेंगे, इंक्रोचमेंट हटाएंगे। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक, तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।